तो दोस्तों बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड, आपके दोस्त कोई भी आपको एक फ़ोटो भेजता है जिसमें किसी प्रोडक्ट का दाम 1 रुपया होता है। यानी यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे खोल रहा हूँ और यहाँ पे आप उसका प्रोडक्ट का प्राइस देखते हैं, वो 1 रुपया होता है, 2 रुपया होता है या फ्री में होता है। जैसे कि यहाँ पे ये 23,000 के आसपास का है तो ये आपको 1 रुपया दिखाई देगा। तो आप ये सोचने में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसा होता है, कैसे किसी भी वेबसाइट को अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा यही कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट को अपने तरीके से एडिट करके, यहाँ पे 29,000 है तो आप इसको 1 रुपये कर सकते हैं, 2 रुपये जो चाहे वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस जो ये लैपटॉप है ये कॉमिंग सून में दिखा रहा है और इसका प्राइस सिर्फ 5 रुपया है। उसी प्रकार इसका नीचे और भी है, ये इसका जो प्राइस है वो 6 रुपया है। तो यहाँ से इसका डेल का जो लैपटॉप है इसका प्राइस 1 दिखा रहा है, इसका फ्री दिखा रहा है, इसका भी फ्री दिखा रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करके एडिट कर सकते हैं और उसको किसी को शॉप कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, उसके सामने आप एडिट खोल सकते हैं और एडिट करके उसको दिखाइएगा तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सारा काम कर सकते हैं और किसी को कैसे आप चौंका सकते हैं। कोई भी देखेगा तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल को दबा देना ताकि वीडियो अपलोड हो तो अब तक अपडेट पहुँचे और आप उसको टाइम से देख पाए। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर यहाँ से ओपन कर लीजिए और प्ले स्टोर पर जाके आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वेब पेज एडिटर। सबसे पहला एप्स आएगा एडिट वेबसाइट, इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करिएगा तो एकदम जैसे गूगल खुलता है यहाँ पे गूगल खुलेगा। यहाँ से आप गूगल में जाके कुछ भी वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाया था फ्लिपकार्ट के, मैं यहाँ से अमेजोन यहाँ से सर्च कर ले रहा हूँ। अमेजोन यहाँ से आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, अमेजोन पर आपको सारा काम सिखाऊंगा। उसके बाद आपको सिंपली जाना है और नीचे amazon.in कोई भी वेबसाइट आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। मैं आपको अमेजन पे दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसके लिए फ्लिपकार्ट या कोई और वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से फ्लिपकार्ट का दिखाया था इसलिए मैं अमेजन का दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपली जाना है, आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से मैं किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस एडिट करके दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक मोबाइल फ़ोन, कोई भी मोबाइल सर्च करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं सर्च कर ले रहा हूँ मोबाइल, उसके बाद यहाँ से सर्च कर दे रहा हूँ। उसके बाद जितने भी फ़ोन आएगी मैं उसका प्राइस एडिट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से मैंने मोबाइल सर्च किया और ये मोबाइल आ गया होगा, हाँ तो मोबाइल आ गया। यहाँ से देखिए इस शोमी MI A3 का प्राइस है 15,499 रुपया। अगर आपको 1 रुपया करना है, जो कितना भी कुछ भी एडिट करना है, तो सबसे पहले इस यहाँ पर पेंसिल दिखाई देगी, इस पेंसिल पर क्लिक करके आपको जो चीज़ एडिट करना है उसको एडिट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से पेंसिल क्लिक करके ये पीला हो जाएगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके सिलेक्ट करने के बाद आपका कीबोर्ड यहाँ से खुल जाएगा। कीबोर्ड में आप जाइए, अपने मोबाइल से यहाँ से इसको एडिट कर लीजिए। यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि प्राइस ही एडिट कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि Amazon लिखा है तो यहाँ से आप डिलीवर बाई आप जो कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं इसका प्राइस 1 रुपया यहाँ पे हो चुका है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और किसी को भेज सकते हैं, देखिए 1 रुपया हो चुका है। उसी प्रकार आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, इसको आप एडिट कर दीजिए, 1,999 रुपया हो गया। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेज सकते हैं या किसी को चौंका सकते हैं। उसके बाद आप इस पेंसिल वाले पे क्लिक करिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप कहीं भी एडिट नहीं कर पाइएगा। आज मैं एक और वेबसाइट को यहाँ से सर्च कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ से सर्च कर ले रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ से फेसबुक सर्च करता हूँ। ओके मैं यहाँ से यहाँ पर सर्च कर दिया। ओके यहाँ से सर्च हो गया और फेसबुक आ गया। यहाँ से अब मैं यहाँ से फेसबुक सर्च किया हूँ, यहाँ से फेसबुक लिख के आ रहा है। मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ और इसको एडिट करके मैं लिख दे रहा हूँ व्हाट्सअप। अब आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा है facebook.com और इसको ऑफ कर दे रहा हूँ और ये लिख के आ गया है व्हाट्सअप। तो इस तरह आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस ऐप्स के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐप्स पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।